मुझे एक दफा अपना कह के पुकारो, मुझे एक दफा अपना कह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा आप कैसे इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। जो सिंपल वीडियो आपने देखी है, इस तरह की वीडियो आप कैसे बनाएंगे। बेसिकली आपको दो ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, प्ले स्टोर से आपने ये डाउनलोड कर लेने हैं, पिक्सल ऐप और कैन मास्टर। ये आप डाउनलोड करने के बाद यहाँ से मैं पिक्सल ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह सा इंटरफेस आएगा। यहाँ से मैं टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। टेक्स्ट को डिलीट करने के बाद यहाँ से मैं इसका कलर ब्लैक कर लेता हूँ। ब्लैक करने के बाद ओके करता हूँ। फिर प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ से शेप के ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ से मैं ये वाली शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इसकी लेंथ को यूँ बढ़ा के यहाँ से ओके कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं यूँ सीधा करके यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ। इस तरह से फिर प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ शेप के ऊपर क्लिक करके फिर वही वाली मैंने शेप ले लेनी है। फिर यहाँ से मैं इसे ओके कर देता हूँ। फिर यहाँ से मैं इसे सेट कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फिर प्लस के ओपन क्लिक करके फिर वही वाली शेप मैंने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से मैं इसे ओके कर देता हूँ। इसको अब यहाँ पे मैं नीचे एडजस्ट कर देता हूँ। तो फिर आपने शेप के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से ये वाली शेप सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ से इस तरह करके यहाँ से मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ से गैलरी में से एक PNG फ़ोटो ले लेता हूँ। यह आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपने इसे एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ से मैं इसे ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिख लेना है। यहाँ से मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। यहाँ से ये मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इसका फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट चेक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं स्टॉक के ऊपर जाके यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे क्लिक करके यहाँ से मैं इसे ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ। ट्रांसपेरेंट करने के बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इमेज को सेव कर लेना है। यहाँ से मैं इसे अल्ट्रा करके यहाँ से सेव टू गैलरी कर लेता हूँ। यहाँ से ये सेव हो चुकी है गैलरी में। उसके बाद यहाँ पे मैं कैन मास्टर को ओपन कर लेता हूँ। कैन मास्टर को ओपन करने के बाद यहाँ पे क्रिएट नाउ के ऊपर क्लिक करके 1:1 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है आपने। यहाँ से मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ ब्लैक वाला। इसकी लेंथ को मैंने बढ़ा देना है। आप जितनी वीडियो बनाना चाहते हैं उसकी उतनी इसकी लेंथ बढ़ा लें। यहाँ से ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं मीडिया के ऊपर क्लिक करके आप कोई भी यहाँ से फ़ोटो ले सकते हैं, जो भी आप फ़ोटो लगाना चाहते हैं। यहाँ से मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। इसकी लेंथ यहाँ से बढ़ा देता हूँ। उसके बाद लेयर के ऊपर क्लिक करें, मीडिया के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अपने ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है। यहाँ से आपने इसे फुल स्क्रीन कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपने नीचे चले आना है। यहाँ से आपने इसे 50 के ऊपर रख लेना है। उसके बाद आपने इसकी लेंथ बढ़ा लेनी है। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ।
उसके बाद लेयर के ऊपर क्लिक करें, मीडिया के ऊपर क्लिक करके जो फ़ोटो आपने बनाया है वो वाला आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इसकी लेंथ बढ़ा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने ऑडियो ले लेनी है। यहाँ से मैं लेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से मीडिया में जाके यहाँ से आपने कोई भी जो वीडियो है उसका यहाँ से आप ऑडियो ले सकते हैं। यहाँ से मैं इसका ऑडियो ले लेता हूँ, इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पे लेयर के ऊपर क्लिक करूँ, उसके ऊपर बाद टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। यहाँ से मैं इसे ओके कर देता हूँ। यहाँ पे ला के मैं इसका फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से आपने इस तरह एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करके फिर यहाँ पे यही लिख लेता हूँ। यहाँ से फिर मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे रख के मैं फिर फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। इस तरह से मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट फिक्रा लिख लेता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से मैं इसका फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे अब मैं इसे एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझे एक दफा अपना कह के पुकार, मुझे एक दफा अपना कह के पुकार, बस इसके। अब यहाँ से मैं इसे उठा के थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। इसकी लेंथ को यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करके नीचे आउटलाइन लगा लेनी है। यहाँ पे नीचे फिर ग्लो, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से अपने ग्लोइंग लगा लेनी है। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके आउटलाइन आपने लगा लेनी है। उसके बाद नीचे ग्लो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ऑन करके यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आपने आउटलाइन लगा लेनी है। यहाँ से आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ग्लोइंग के ऊपर क्लिक करके यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद एनिमेशन आप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ से कोई भी एनिमेशन आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारी वीडियो तैयार हो चुकी है। उसके बाद मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वीडियो तैयार हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करके यहाँ से आपने HD रखना चाहते हैं HD रख के जो भी आप रखना चाहते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।